जो सभा की उसमें मध्य प्रदेश में एक बार पुनः ये बात स्थापित हो गई कि कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति को मध्य प्रदेश में स्थापित करना चाहती है। उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ छलावा क्यों किया। हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का जो काम शुरू किया था वो कमलनाथ जी की सरकार में सरकार से जुड़े हुए वकीलों की अकर्मण्यता के कारण वो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्गों को नहीं मिला था। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की कटिबद्धता स्थापित हुई और हमने स्थानीय निकाय चुनाव में ये बात सुनिश्चित की कि 27% आरक्षण के साथ हम स्थानीय निकाय चुनाव कराएं। पर राहुल जी पिछड़ों की बात करते रहे, उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, शायद उनको मालूम नहीं था कि दिग्विजय सिंह की मिस्टर भट्टाचार्य की सरकार जब मध्य प्रदेश से गई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिन 3 हमारे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया, उमा भारती जी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह चौहान जी, ये 3 पिछड़े वर्ग के हैं, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया।